नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं दी सेहत। आज आप लोगों को पपीते के औषधीय गुण के बारे में जानकारी देंगे, इसके नुकसान, इसके फायदे के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पपीता को पहले से आप लोग जानते पहचानते होंगे, तो इसलिए इसका जान पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इसका बॉटनिकल नेम जान लें आप लोग, इसको कारिका पपाया के नाम से जाना जाता है। फायदे जानने से पहले इसके नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। एक गर्भावस्था के दौरान अगर किसी महिला को दिया जाए तो गर्भपात हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि गर्भवती महिलाओं को पपीता नहीं खाना चाहिए, इससे बचें। इसका कच्चा फल जो है उपयोग से महिलाओं को बचना चाहिए। अब बताते हैं इसके फायदे कौन कौन से हैं। इसके पपीते की सब्जी आप लोग बना के खा सकते हैं, इसको फल के रूप में आप लोग उपयोग कर सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं, कच्चा पपीता भी खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पपीता नुकसानदायक थोड़ा होता है। फल और जड़, फूल और इसका बीज उपयोग में लाया जाता है औषधि के रूप में। इससे कौन कौन से फायदे हैं, तो यह प्लेटलेट की संख्या जिसमें कम होती है, जैसे डेंगू के बीमारी में जो प्लेटलेट संख्या घटने लगती है उसको बढ़ाने का काम करता है। प्लेटलेट को बुखार को कम करने का काम करता है, मलेरिया को भगाने का काम करता है। आंतों संबंधित कोई भी दिक्कत हो उसमें फ़ायदा करता है। किडनी में कोई दिक्कत हो या किडनी काम ना कर रही हो, पथरी हो, उसमें फ़ायदा करता है। पेशाब को बढ़ाने का काम करता है, पेशाब रुक रुक के जिसमें आता है, पेशाब में जलन होता है, उसमें फ़ायदा करता है। यह मोटापा को दूर करता है, इसमें फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। पपीता कफ के साथ आने वाला खून या ब्लड जो कफ के साथ आता है उसको रोकने का काम करता है। ये खूनी बवासीर को जो है कम करने का काम करता है, उसमें भी फायदा करता है। गुर्दे में कोई भी दिक्कत हो उसमें ये फायदा करता है। हड्डी रोग हो या जोड़ों में दर्द हो, पक्षाघात हो, गठिया रोग हो, उल्टी हो, इसमें भी फायदा करता है। दाद में भी अच्छा फायदा करता है। दाद में इसके पत्ते का रस निकाल के या इसके दूध को लगाया जाए दाद में, उसमें भी फायदा करता है। जिन बच्चों को शरीर की लंबाई कम है वो लोग इसका पपीते को अगर नियमित उपयोग करेंगे तो उसमें फायदा करता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये आँखों के रोग को दूर करने का काम करता है। पपीता भूख को बढ़ाता है, वीर्य को बढ़ाने का काम करता है, पेशाब को बढ़ाने का काम करता है, जिनको पेशाब कम होता है उसमें भी फायदा करता है। ये कब्ज को कम करने का काम करता है, कॉन्स्टिपेशन में बहुत फायदेमंद है। अल्सर या पेट में जो आते होते हैं उसमें कोई भी दिक्कत हो उसको कम करने का काम करता है। इसके पत्ते का रस निकाल सकते हैं और एक चम्मच या दो चम्मच सुबह शाम यूज कर सकते हैं। ये प्लेटलेट को बढ़ाने का काम करेगा, बुखार को कम करने का काम करेगा, मलेरिया में भी फायदा करेगा। और इसके जड़ को निकाल करके अगर पीस के उपयोग किया जाए तो पथरी भी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।